वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी भी कारणवश हमें प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग करनी पड़ती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को ट्रेवल ना करना पड़े, प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, पर अगर किसी भी रीज़न से ट्रैवल करना पड़ जाता है तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आप बाय रोड ट्रैवल ना करें, क्योंकि रोड के जो ऊँचे नीचे गड्ढे होते हैं ना, उनसे धचके लग के मिसकैरेज के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो जितने भी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद प्रेग्नेंट लेडी को ट्रैवल करने की परमिशन नहीं देती। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ट्रैवल बाय ट्रेन। ट्रेन से ट्रैवल करना थोड़ा कम रिस्की है, क्योंकि ट्रेन क्या बोलते हैं, बैलेंस स्पीड में चलती है। वो उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती, वो एक इक्वल स्पीड में चलती है, जिससे कि बाय ट्रेन से ट्रैवल करना थोड़ा कम रिस्की। इसमें भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ट्रैवलिंग में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। अगर आप ट्रैवल बाय ट्रेन कर रहे हैं तो ये आप कन्फर्म करें कि आपकी टिकट एसी में ही होनी चाहिए, और ये बिल्कुल निश्चित करें कि आपकी टिकट लोअर बर्थ में ही हो, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए अप डाउन ऊपर नीचे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो आप ये देख लें कि आपकी जो सीट है वो लोअर बर्थ। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को रेस्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल बहुत रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा लेटे ना। आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो बीच बीच में थोड़ा घूमते फिरते रहें। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको अकेले ट्रैवल नहीं करना है। प्रेगनेंसी जितनी ज़्यादा खुशी देती है, और अगर बट प्रेगनेंसी एक बहुत ही रिस्की टाइम पीरियड होता है, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन कभी भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर हो, अकेले ट्रैवल करने को अवॉइड करें। और ज़्यादा फैशन के चक्कर में टाइट फिटिंग के कपड़े पहन के बिल्कुल ट्रैवल ना करें, ढीले ढाले कपड़े पहन के ट्रैवल करें। साथ ही हील तो बिल्कुल अवॉइड करें, प्रेगनेंसी में हील को अवॉइड करना चाहिए। आप फ्लैट से स्लीपर पहन सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको शांत और पॉजिटिव होकर ट्रैवल करना है। अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, उसके बाद ही ट्रैवलिंग करें, तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल रहेगी, आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे आप लोगों से इन्हीं बातों को शेयर करना था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियोस। मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।